पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हमारा आज ये धरने का चौथा दिन था और हमारा लगातार ये इनसे कहना था कि ये 11 गांव की जमीन अधिग्रहण करने की योजना यहाँ लागू नहीं होनी चाहिए। आज इनसे बैठकर वार्ता हुई है और इन्होंने ये मान लिया कि यहाँ पर जो किसानों की आपत्तियाँ आई हैं उस आधार पर हम बिना जब तक आपत्ति रहेगी किसान सहमत नहीं होंगे उस आधार पर यहाँ योजना को लागू नहीं करेंगे और हमारा कोई भी कर्मचारी अब हस्तक्षेप करने क्षेत्र में नहीं जाएगा। इसके अलावा भी कुछ और मांगे थी क्या आप? इसके अलावा यहाँ पर मांगों पर आके कुछ किसानों का जब ये ज़मीन ली गई थी, जब ये कार्यालय बना है उस समय उनका मुआवजा पूरा नहीं मिला था, इन्हें लिख के दिया गया है। जिन किसानों का मुआवजा देना बाकी रह गया है उन्हें मुआवजा दिलाया जाए। इन्होंने उस पर हाँ करी है कि हम इन्हें देखेंगे और इनका मुआवजा दिलाएंगे। फिलहाल अब सारे के जो किसान यूनियन के लोग थे वो सब वापस जा रहे हैं। हाँ, अब जब ये समझौता हमारा हो गया है और हस्तक्षेप इनका खत्म हो गया तो अब सारे लोग वापस जाएंगे। देखिए, जैसा कि हम लोग पहले से भी कहते आ रहे हैं, हम लोगों ने हमेशा ही इस बात को कहा है कि जो इन 11 गांवों में प्राधिकरण के द्वारा नई स्कीम की प्लानिंग की गई है उसमें हमने साफ तौर पर यह कह रखा है कि किसी भी किसान की जमीन, किसी भी भूस्वामी की जमीन बिना समझौते के नहीं दी जाएगी और बिना जो है आपसी सहमति के नहीं दी जाएगी। इसमें कई लोगों के द्वारा कई प्रकार की भ्रांतियां फैलाई गई थी, तो उसके संबंध में जो किसान भाई हमारे यहाँ पे आए हुए थे उनसे हम लोगों ने बैठ करके वार्ता की, उनको उनके सारे डाउट्स पर हम लोगों ने उनको क्लियर किया, तो उनको भी बात समझ में आई और उनके द्वारा जो है जो चीजें हमने उनको बताई थी इसी बात पर हमने लिखित रूप से उनको फिर से अवगत कराया है। यदि कोई किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहता है तो हम उसकी जमीन जो है किसी भी तरीके से उससे जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और जब उसकी इच्छा होगी तो वो अपनी जमीन हमें जो है जो निर्धारित दर होगी जो जिलाधिकारी महोदय के स्तर से हम लोग तय कराएंगे उस पर वो देने का इच्छुक होगा, हम तभी उसकी जमीन लेंगे। तो इस पर हमारे जो किसान साथी थे उनके द्वारा इस पर अपनी सहमति व्यक्त की गई और उनके द्वारा ये कहा गया कि अगर इस प्रकार की बात है तो उनकी तरफ से भी पूरा सहयोग रहेगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।